हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है, उसमें से ज़्यादा तो नहीं है, 8-9 एमसीक्यू होंगे, लेकिन इनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे आपको कितना समझ आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते ह्यूमन की सेंसेस कितनी होती हैं। तो 5 सेंसेस होती हैं मेनली, साइट होगी, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, हियरिंग हो गया। अब इसका एमसीक्यू से क्या रिलेशन है? तो बेसिक बात यह है कि मतलब जितनी ज़्यादा आपकी जो सेंसेस होती है वो एक काम के अंदर एंगेज होगी, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आपकी साइट जो है उसमें एंगेज हो रही है, उसके साथ में टेस्ट तो हो नहीं रहा है उस टाइम में, लेकिन हियरिंग हो रही है, जैसे आप सुन रहे हो कुछ, या उसके बाद आप टच से अगर राइट कर रहे हो कुछ। ठीक है, तो बेसिकली अगर 3 सेंसेस आपकी इन्वॉल्व होती हैं तो आपको ज़्यादा उससे अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये बेसिकली इसका एमसीक्यू से क्या रिलेशन है? तो बात यह है कि अगर जो आपको एमसीक्यू यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं प्रोनाउंस भी करूँगा साथ में, तो क्या होगा, आपकी कौन कौन सी, एक तो आप देख रहे हो उसको, दूसरा आप हियर कर रहे हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी और उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप उसको बेटर वे में सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर आप ये वाला प्रोविज़न फॉलो करके अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह कर रहे हो, या कोई मतलब जैसे चैनल्स होते कुछ या कुछ साइट्स वगैरह हैं वहाँ पे इस पैटर्न के अंदर टेस्ट सीरीज़ वगैरह करवाई जाती है, तो ये पैटर्न सही नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, नॉर्मल का जब आप जाओगे मेन एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे सिर्फ आपको देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब आपकी सिर्फ एक साइट वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, या आपने राइट वगैरह कर दिया उसके ऊपर थोड़ा बहुत, तो ठीक है, लेकिन बेसिक आपकी साइट इन्वॉल्व होगी। तो साइट से मतलब जितनी कम आपकी जो है सेंसेस इन्वॉल्व हैं किसी काम में, उतना कम आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मतलब उससे अगर आप उस लेवल पे प्रिपेयर करोगे, सिर्फ साइट के लेवल पे प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक बेटर वे होगा किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाने के लिए या जैसे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसको बोलूँगा तो आपको ये जो है ज़्यादा समझ आएगी, और ज़्यादा समझ आने से मतलब ये है कि जो आप मेन एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करोगे उससे इससे आप मतलब एक्चुअल में अपने आप को एनालाइज़ नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में आपको समझ आया है टॉपिक या नहीं आया, क्योंकि आपको कुछ जो मैं बातें बोलूँगा उनसे भी आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेंगे। तो बेसिक सा जो फर्स्ट टाइम के अंदर मैं इनको स्लाइड को मूव करने वाला हूँ उसके अंदर मैं इनको प्रोनाउंस नहीं करूँगा, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मूव करूँगा, आप पॉज करके उनको सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड जब मैं इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे ये, मतलब जिनको ऐसे नॉर्मल समझ आ रहा है वो इस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये खुद आप पढ़ोगे, खुद उसको अंडरस्टैंड करके आंसर दोगे, वो एक ज़्यादा बेटर वे होगा आपको एनालाइज़ करने का कि आप मतलब कितना आपको समझ आया है, कौन सा एमसीक्यू आपको समझ आया है नहीं आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं उसको बोलूँगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा वो, लेकिन उससे आपकी एनालिसिस नहीं होगी। तो मैं सेकेंड फेज़ के अंदर जब फिर से आऊँगा तो मैं इसको रिपीट बोलना शुरू करूँगा और समझाऊँगा अभी इसको हिंदी के अंदर क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ के अंदर मैं इनको बस स्लाइड चेंज करूँगा, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो सेकेंड फेज़ के अंदर मैं इसको रिपीट भी करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये एट्थ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो टोटल 8 क्वेश्चन है। अब इसको आपने अगर सॉल्व किए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इनको रिपीट करूंगा। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन है, इट हैपन ड्यू टू द जीनोमिक म्यूटेशन कॉज्ड बाय द ओवरडोज एंड द इंक्रीज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इन वायरसेस। सेकंड ऑप्शन है, एंटीबायोटिक कैन समटाइम अफेक्ट प्रोटोजोन आल्सो। थर्ड ऑप्शन है, अंडर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन नॉट कॉज रेजिस्टेंस। फोर्थ ऑप्शन है, बैक्टीरिया गेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम राइवल दे प्रे ऑन। तो इसके 4 ऑप्शन है। अब बेसिक बात है, हमने नॉर्मल सा टॉपिक पढ़ा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आपको हो सकता है इनमें से कुछ जो ऑप्शन है आपने देखे भी नहीं हो, लेकिन यही होने वाला है एग्जाम के अंदर। आपको जरूरी नहीं है कि वही आएगा जो आपको पता है, तो वो आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है आप कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है, ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है, ओनली 4, 2 and 1 आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, ओनली 2 and 4 आर करेक्ट। सेकंड है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज समटाइम्स सीन इन न्यूज रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सेकंड, सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डेटरियोरेशन। थर्ड है, हार्मफुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। फोर्थ, जीन फॉर कैंसर। नेक्स्ट आता, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल वेव। तो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में आपको स्टेटमेंट के बारे में पता करना है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल वेव जो होती है रिपल होते हैं स्पेस टाइम के अंदर में, ये कोलिजन से बनते हैं। सॉरी, मैंने शायद हिंदी के अंदर इनको बताया नहीं नॉर्मल सा, लेकिन हिंदी के अंदर भी ऐसे ही चलेंगे ये, जैसे अब जीनोमिक म्यूटेशन है, अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। जैसे ये होती है जीनोमिक म्यूटेशन की वजह से, जो कि ओवरडोज की वजह से होती है, जो कि परमेबिलिटी इंक्रीज कर देती है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इन वायरसेस में। एंटीबायोटिक जो है कुछ टाइम जो है प्रोटोजोन को भी अफेक्ट कर लेते हैं। अगर कम यूज़ करें एंटीबायोटिक का तो रेजिस्टेंस कॉज नहीं करते वो बैक्टीरिया जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो साथ वाले जो उनके बैक्टीरिया होंगे उनको, जिनको खाएंगे वो जो राइवल होंगे उनके उनके उनको खाने से भी उनको मिल सकती है। सेकंड है हमारा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, इसको कुछ जो है न्यूज़ के अंदर देखा जाता है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म के सेल और उसकी डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या मतलब जो हार्मफुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है उससे रिलेटेड है ये, या कैंसरस जीन होती उस चीज़ से रिलेटेड है ये, तो किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको बताना है। थर्ड है ग्रेविटेशन वेव के बारे में आपको बताना है कि ग्रेविटेशन वेव जो होते हैं रिपल होते हैं स्पेस टाइम के अंदर बने हुए, ये फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस होते हैं, कोलिजन होता है न्यूट्रॉन पार्टिकल का, इन क्वार्क्स होते हैं उनके अंदर इनका कोलिजन होता है, तो उससे जो है बनते हैं ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो था हमारा, उसको पहले बनाया गया था इस पर्पज़ के लिए लेकिन वो काम नहीं किया, मतलब उसने ये काम नहीं किया तो उसको रिप्लेस करके लीगो बनाया गया फिर, और इंडिया ने रिसेंटली स्टार्ट कर दिया हुआ वर्क ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी के ऊपर। ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से चूज़ करना है आपको। नेक्स्ट आ गया कि इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है बैक्टीरिया नहीं करता है, तो लेप्रोसी, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, तो आपको बताना है कौन सी डिजीज़ इनमें से बैक्टीरिया कॉज नहीं करता है। फिर आ गया तरंग संचार पोर्टल को न्यूज़ के अंदर देखा जाता है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जियो की हेजमनी है उसको काउंटर करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि सर्विसेज को एयरटेल और आइडिया की सर्विसेज को स्पीड अप कर देगा। रेडिएशन को ट्रैक करने के लिए बनाया है, मोबाइल टावर से 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है ट्रांसपेरेंट वे में, उसके लिए बनाया हुआ है इसको, जैसे 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हो गया तो वो वाली सिचुएशन बार में फिर से ना आए, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है ताकि मोबाइल टावर को बैलेंस किया जा सके और ताकि उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके उनको बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट आता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन, तो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट को देखिए। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट और विटामिन फूड के अंदर एंटर किए जाते हैं। यूएस की 2 स्पेशलाइज एजेंसी हैं WHO और FAO, FAO को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बिलीव करती हैं कि हिडन हंगर को रिमूव करने के लिए ये जो है फूड फोर्टिफिकेशन हेल्पफुल है। थर्ड है फोर्टिफिकेशन, एग की फोर्टिफिकेशन नहीं की जाती क्योंकि इसके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है जो कि जो फोर्टिफाइड करने वाले कंटेंट होता है उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है कि ये टेक्निक जो है काफ़ी हेल्पफुल है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हिडन हंगर जो है काफ़ी प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट आता न्यूरल नेटवर्क समटाइम्स सीन इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, इंटेलिजेंट मशीन से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। एक टाइप की थेरेपी है जो कि रिकंस्ट्रक्ट करती है डिग्रेडेड जो न्यूरॉन होते हैं उनको, डिग्रेडेड न्यूरॉन को करेक्ट करने के लिए है ये। नेक्स्ट आता लेज़र वॉल कवच समटाइम्स सीन इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये एक लेज़र वॉल का जो इंट्रूजन को चेक करने के लिए है, नासा का लेज़र वॉल का कवच है इंट्रूजन को चेक करने का, इसरो का लेज़र वॉल इंट्रूजन को चेक करने के लिए, इंडिया का लेज़र वॉल टू चेक इंट्रूजन जापान का। तो हमारे जो क्वेश्चन हो गए अब आपको इनको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर फिर लिखना है, और ये भी बताइएगा कि मतलब लेवल इनका ठीक था, कम था या ज़्यादा था, या मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इनके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट UPSC एग्जाम। दोस्तों हम अपने MCQ डिस्कस किए थे पिछली वीडियो के अंदर, अब उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट MCQ से। फर्स्ट आता हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक क्या होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के काम आते, रेजिस्टेंस क्या है, बैक्टीरिया इनके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, इनसे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट हैपन ड्यू टू द जीनोमिक म्यूटेशन कॉज्ड बाय द ओवरडोज एंड इंक्रीज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इन वायरसेस। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी, बेसिक्स आपको पता होता कि वायरस के ऊपर अफेक्ट नहीं करते एंटीबायोटिक, तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व था। ऑप्शन ए कट, बी कट और सी कट, तो ऑप्शन बच गया डी, 2 and 4 आर करेक्ट। बाकी ये जीनोमिक म्यूटेशन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में वायरस वगैरह ये एब्सर्ड सी स्टेटमेंट थी, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकंड आ गई हमारी ऑप्शन, एंटीबायोटिक समटाइम प्रोटोजोन को अफेक्ट कर देते हैं, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, बेसिकली ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं लेकिन समटाइम जो है प्रोटोजोन को भी अफेक्ट कर देते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल सा बैक्टीरिया और प्रोटोजोन को, प्रोटोजोन कौन थे जो, जैसे मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम 5x से होता है, तो वो प्रोटोजोन है एक। थर्ड आ गया, अंडर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन नॉट कॉज रेजिस्टेंस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, अंडर यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस हो सकती है,
तो इसको नॉर्मल सामने देखा भी था वहाँ पे। तो जैसे कोई बच्चा होता है उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मारते रहोगे, मतलब उसको तरीके से नहीं डराओगे आप एक टाइम पे, और उसको वैसे थोड़ा बहुत डराते रहोगे तो थोड़े टाइम बाद वो ढीठ होने लगेगा, ठीक है, मार से ढीठ हो जाएगा। वैसे ही बैक्टीरिया होता है, उसको अगर थोड़ा थोड़ा डोज दोगे, उतना डोज नहीं दोगे जिससे वो मर जाए, तो वो भी रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा। फोर्थ ऑप्शन है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस गेट कर लेता है जीन से, जो कि जीन के हमने डिस्कस किया था। जीन क्या होती, डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि कोड करता है किसी चीज़ के लिए, उसको जीन बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रॉम राइवल दे प्रे ऑन, तो जिसके ऊपर वो प्रे करते हैं, जिसको खाते हैं, उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो ये भी हमें पता है कि बैक्टीरिया अपने, जैसे बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पीसीज होती हैं, जैसे मान लो लाखों जो है अंदर हैं बॉडी के अंदर, मान लो जैसे 2-3 हैं, तो एक में अगर रेजिस्टेंस पैदा हो गई तो दूसरी को भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं, क्योंकि आप एंटीबायोटिक खाते वो एक पर्टिकुलर क्लास को अफेक्ट करता है। जैसे अगर मान लो 10 आपके अंदर बैक्टीरिया है, आपने एंटीबायोटिक खाया, वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है। मान लो 5 को अफेक्ट किया, लेकिन अगले 5 को अफेक्ट नहीं किया, उन्होंने रेजिस्टेंस बना ली उसके प्रति, तो वो क्या करेंगे, जब फिर से वो ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे जो हमारे बैक्टीरिया होंगे, तो उनके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है। एंटीबायोटिक उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं जीन्स को, या तो वो मर जाएंगे, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से, या उनको अगर वो खा लेंगे उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन आपका 2 और 4 करेक्ट था इसका। सेकेंड आ गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज समटाइम्स सीन इन यूज, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमने डिस्कस किया था, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी जो सांस है ऑक्सीजन है, उसकी यूटिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ जो है वो जंक के रूप में स्टोर रहती है वहाँ पे बॉडी के अंदर। मतलब जैसे मशीन होती है, उसको आप ग्रीसिंग नहीं करोगे, उसकी अच्छे से मरम्मत नहीं करोगे, तो धीरे धीरे जो मशीन होती है वो उसके पार्ट्स जो हैं रगड़ रगड़ के थोड़ा थोड़ा जंक जंक बन के उसके पुर्जे ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के सेल के अंदर ये स्टोर हो रही है परऑक्साइड वगैरह, जो ऑक्सीजन की स्पीसीज होंगी डिफरेंट काइंड की, मतलब ऑक्सीजन से मिलके बनी होनी ये चीज़ें, जंक ऑक्सीजन है, मतलब एक तरीके से जो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे स्टोर हो के बाद में क्या करेगा, एजिंग की प्रोसेस को बढ़ावा देता है ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर, और डेथ को भी कॉज करता है ये बॉडी के अंदर। तो इसका ऑप्शन था सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है और उसकी डेटरियोरेशन, उसको डिस्ट्रक्शन में के लिए जिम्मेवार है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, अपने स्टेटमेंट को पकड़ना है। तो फर्स्ट है, दे आर रिपल इन द स्पेस टाइम। तो ये हमने देखा था कि ये रिपल हैं, जैसे पानी के अंदर बनते हैं रिपल, वैसे रिपल्स हैं ये स्पेस टाइम के अंदर में। स्पेस टाइम हमने देखा था कि आइंस्टाइन ने बनाया था ये स्पेस टाइम, क्या मतलब, एक तरीके से पहले माना जाता था स्पेस और टाइम अलग अलग होते हैं, लेकिन उसने बताया कि स्पेस और टाइम जो है इकट्ठे होते हैं, मतलब इन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर ग्रेविटेशन, किसी भी बॉडी की ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे टाइम जो है स्लो हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, जैसे लाइट की स्पीड तक पहुँच जाती है, तो टाइम खत्म हो जाएगा उसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो बेसिक सी बात थी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल बनाया था, मैथमेटिकल मॉडल, जो कि हमने देखा था एक चादर के रूप में, फैब्रिक के रूप में था। तो उसमें जब दो ऑब्जेक्ट उसमें देखा था हमने, घूम रहे थे अपनी ग्रेविटी के फ्लो के अंदर, घूम रहे थे एक दूसरे के आगे आसपास, और जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो एक वायलेंट सी एक्टिविटी होगी, उससे क्या होगा, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे इसमें फैब्रिक के अंदर, स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर, उनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये था, दे आर फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल इनसाइड क्वार्क्स। तो ये तो गलत है, क्वार्क्स और न्यूट्रॉन्स का रिलेशन ही गलत है कि कोलिजन हो रहा है इसके अंदर में। तो ये हमने देख लिया, कोई वायलेंट एक्टिविटी होगी काफ़ी दूर, मिलियन बिलियन ईयर्स लाइट ईयर दूर, वहाँ से आ रही थी ये रिपल्स, तो ये फ्रीक्वेंट तो है नहीं। दूसरी बात, न्यूट्रॉन पार्टिकल का कोलिजन से तो बन ही नहीं रही है ये, ठीक है। और क्वार्क्स वगैरह, क्वार्क्स आपको बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वैसे आपने कहाँ पढ़ा होगा, लेकिन नॉर्मल सा जो क्या होता है, जैसे बॉडी होती है, मतलब आपको अगर पूछे कोई कि सबसे छोटी चीज़ से किस चीज़ से, किस चीज़ को मानते हो आप सबसे छोटी, आप बोलोगे एटम। एटम को थोड़ा और अंदर जाएंगे तो उसमें होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके न्यूक्लियस के अंदर में बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और अब मतलब उसके और अंदर जाएंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ से मिलके बने, क्वैक से, ठीक है। तो ये क्वैक से मिलके बने, और इसी को अगर थोड़ा और तोड़ोगे, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि स्ट्रिंग से मिलके बने हुए हैं सारे पार्टिकल वगैरह जो होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था आपको 2017 के अंदर, क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था स्टैंडर्ड मॉडल, न्यू हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी और स्ट्रिंग थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है। उनको भी देख लेंगे हम, जो छोटे मोटे टॉपिक होंगे, बेसिकली उसमें से एक रफ सा आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। ये काफ़ी मतलब एक तरीके से बेसिक सी बात है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और एक स्पेस के बारे में, हम अपनी हिस्ट्री वगैरह को खोजने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर होते हैं, जैसे लीगो वगैरह ऑब्जर्वेटरी, स्पेस के अंदर बेसिकली ब्लैक होल क्या है, उनको कैसे, वार्म होल क्या होता है, टाइम ट्रैवल कैसे करेंगे,
पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं छोटे छोटे, क्वांटम लेवल के ऊपर, सूरज की मिस्ट्री के बारे में, बिग बैंग के बारे में, तो यही बातें चली रहती हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड मॉडल वगैरह, ठीक है। और हमारा था थर्ड ऑप्शन है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वाज मेनली कंस्ट्रक्टेड फॉर देयर डिटेक्शन बट सून इट वाज रिप्लेस्ड बाय लीगो ऑब्जर्वेटरी। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अगर आपको पता होगा, वैसे भी आजकल न्यूज़ में है नहीं है, लेकिन पिछले साल न्यूज़ के अंदर था ये। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है, छोटे छोटे पार्टिकल है, उनको डिस्कवर करने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव के लिए, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। और इसको रिप्लेस किया लीगो से, ये तो उससे भी ज़्यादा गलत है, ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अगर जैसे हमारे करंट अफेयर डिस्कस हो जाएंगे, तो अभी तो न्यूज़ में है नहीं ये, लेकिन इसको भी अगर आप चाहते कि डिस्कस करना है, इसके अंदर हिग्स बोसोन पार्टिकल हो गए, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, और ये क्वार्क्स वगैरह क्या होते हैं, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल उसके अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें मतलब एक बेसिक्स आपको आइडिया लेना हो स्पेस के बारे में, डिटेल से पता करना हो, करंट अफेयर अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहले हमारे पूरे करंट अफेयर डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे हैड्रॉन कोलाइडर एक्चुअल में क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, तो उनको भी देख लेंगे लास्ट के अंदर में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, इंडिया जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड इस वर्क ऑन ग्रेविटेशनल वेव। तो ये एक स्टेटमेंट गलत है, रिसेंटली तो हमने 2008 के अंदर में इंडिगो बनाया था, उससे स्टार्ट किया था हमने प्रोजेक्ट, अभी लीगो को लाने की बात हो रही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है इसके अंदर में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बाकी तीन गलत हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर आता विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जो हमारी लेप्रोसी है, लेप्रोसी हमने देखा था कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से हो रही थी, जो कि बैक्टीरिया है। मलेरिया, मलेरिया हो रहा था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, जो कि एक प्रोटोजोन है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, जो भी एक बैक्टीरिया है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। इसके बारे में देखेंगे जब पहले अपनी वीडियोस कंप्लीट कर लेते हैं जो करंट अफेयर की हैं, उसके बाद बाद में जो हेल्थ का टॉपिक होगा उसके अंडर बना देंगे, जो भी डिजीज़ वगैरह, जिका वगैरह, एनसीफेलाइटिस, जो भी न्यूज़ के अंदर रहती हैं उनके बारे, उनको कॉज कौन करता है, उनको कैरी कौन करता है वैक्टर वगैरह, तो वो बना देंगे लास्ट में, ठीक है। पहले कवर कर लेते हैं हमने करंट अफेयर जो भी हैं। फिर आता तरंग संचार पोर्टल समटाइम्स सीन इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये हमने पढ़ा था कि नॉर्मल सा रेडिएशन जो मोबाइल टावर एमिट करते हैं उसको ट्रैक करने के लिए बनाया हुआ ये, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो एब्सर्ड सी थी, मतलब सेम सेम लगाई थी मैंने ताकि थोड़ा कंफ्यूज हो सके, बेसिकली आपको पता होगा तो आप इजीली टिक कर सकते थे इसको। फिर आता फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो फूड फोर्टिफिकेशन होती है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करना है फूड के अंदर में, जैसे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट और विटामिन वगैरह होते हैं, उनको ऐड करना हमने फूड के अंदर में, ताकि फूड की क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। सेकंड ऑप्शन थी, पहली ऑप्शन करेक्ट है इसकी, सेकंड ऑप्शन थी द टू स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएस। तो ये गलत था, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसीज हैं ये, डब्ल्यूएचओ और एफएओ। बाकी ये स्टेटमेंट ठीक है कि इन्होंने बिलीव किया कि रिड्यूस कर सकती है हिडन हंगर को। हिडन हंगर एक्चुअल में क्या होती है, बेसिकली हमें न्यूट्रिएंट के बारे में पता नहीं होती डिटेल वगैरह, कितनी हमें कौन सी क्वांटिटी के अंदर में चाहिए। जैसे बेसिक्स आपको पता हो, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आलू वगैरह चावलों के, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती जैसे विटामिन मिनरल वगैरह की, तो उसकी कमी हो जाती है कई बार। कई बार आपने देखा हो कोई पीपल ओबेस है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, विटामिन वगैरह की कमी की वजह से कोई मेंटल डिफॉर्मिटी आ गई है, कोई मेंटल लेवल पे उसको इशू आ गए हैं, तो वो हिडन हंगर होती है। मतलब उसका पता नहीं लग रहा है एक्चुअल में। जो आपकी पीडीएस शॉप होती वो तो आपको दे रही है अनाज, चावल वगैरह दे रही है, अनाज दे रही है, लेकिन कुछ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो जैसे मिल्क वगैरह से मिलते हैं आपको, या आपको चिकन वगैरह से मिलते हैं, वो उनको मिल नहीं रहे वहाँ से, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है, शरीर उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हिडन हंगर। तो बेसिकली आपको भी मतलब एक, मतलब अपने हेल्थ के प्रति में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी हो तो बेसिक जो पता होता है, मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रोटीन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रोटीन होती है, प्रोटीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है 1 kg के पर्सन के लिए 1 gram प्रोटीन चाहिए उसको। अगर आप 60 kg के हैं तो आपको 60 kg प्रोटीन चाहिए। और WHO के एस्टिमेट के हिसाब से नॉर्मल जो आजकल क्या होता है, जो नॉन वेज पर्सन है उसकी राउंड अबाउट एक दिन के अंदर, मतलब प्रोटीन जो होता है बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, आपने जितना ले लिया एक दिन के अंदर यूज़ हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको फिर से लेने की जरूरत होगी। और प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है सेल के फंक्शन के लिए, बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए काम आती है वो। तो WHO का एस्टीमेट के हिसाब से जो नॉन वेज खाता है पर्सन, उसका 32-35% तक प्रोटीन, मतलब परसेंट नहीं, 32-35, अगर मान लो 60 kg का पर्सन है तो उसका 30-35 gram तक उसको प्रोटीन मिल पा रहा है जो नॉन वेज है। और जो वेज है,
वेजिटेरियन है उसकी तो उससे बुरी हालत है, उसका नॉर्मल 25-30% तक उसको प्रोटीन मिलती है। तो जितनी आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती रहती है, धीरे धीरे ईयर बाय ईयर आपकी जो बॉडी की प्रोसेसेस हैं वो स्लो हो जाएंगी, आपकी एजिंग जो है ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन आपकी मतलब जनरेशन की क्वालिटी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी, वो जो है डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रोटीन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली आपको न्यूट्रिएंट के बारे में पता होना ही चाहिए अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ हमारी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में लेना चाहिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड ऑप्शन आता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ एग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द टॉक्सिक नेचर ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड विच कैन रिएक्ट विद फोर्टिफाइड कंटेंट। तो एग के फोर्टिफिकेशन नहीं की जा सकती क्योंकि टॉक्सिक मतलब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसमें वो टॉक्सिक होता है और रिएक्ट करता है फोर्टिफाइड कंटेंट से। तो ये गलत स्टेटमेंट है, एक्चुअल में एग की फोर्टिफिकेशन की जा रही है और उसमें ओमेगा फैटी 3 डाला जा रहा है। फोर्थ है, दिस टेक्निक ज़्यादा हेल्पफुल है जहाँ की कंट्रीज के अंदर हिडन हंगर है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो 1 और 4 करेक्ट थे और 2 और 3 गलत थे, तो बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आता न्यूरल नेटवर्क समटाइम्स सीन इन न्यूज़, तो हमने देखा था इंटेलिजेंट मशीन के लिए ये करेक्ट है ये। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा था हमने, 3 हमने चीज़ें डिस्कस की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद डीप जा रहे थे मशीन लर्निंग, फिर डीप जा रहे थे, फिर देखा था डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क आ रहे थे और न्यूरल नेटवर्क इसके अलावा और भी आपको जो स्टेटमेंट दिख सकती है न्यूज़पेपर के अंदर वो सकती न्यूरल बिलीफ नेटवर्क, न्यूरल रिएकरिंग नेटवर्क, तो वो इसी के टाइप है, मतलब इसी को थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वे में अच्छे से काम करने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स आप टिक कर सकते हो उसको नॉर्मल सा। एंड मेन के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको मेन्स के अंदर डीप लर्निंग की एप्लीकेशन पूछेंगे और नॉर्मल सा न्यूरल नेटवर्क के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट आता लेज़र वॉल कवच समटाइम्स सीन इन न्यूज़, तो ये बेसिकली इसमें सबसे अच्छी जो आपको पता होनी चाहिए वो थी नासा, इसरो, इंडिया, जापान, किसने बनाया हुआ है। तो इंडिया और इसरो दोनों मतलब एक ही कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये डिफेंस एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है उन्होंने बनाई है, इसरो ने नहीं बनाया उसको। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। तो ये हमारे MCQ होते हैं, ख़त्म होते हैं। MCQ बनाने में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपको ऑप्शन वगैरह जो सेट करनी होती है, अगर अच्छे से ऑप्शन आपको सेट करने हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, MCQ वगैरह जब हमारा कवर हो जाएगी ये सीरीज़, उसके बाद इसको MCQ को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बना लेंगे इनके ऊपर मैं वीडियो, पहले ख़त्म कर लेते हैं अपना जितना सिलेबस है हमारा। ठीक है, उसके बाद MCQ वगैरह बनाते रहेंगे। थैंक यू।